हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ मोनिका. सो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपके आईब्रोज़ और आई लैशेज के हेयर ग्रोथ के बारे में. तो बहुत बहुत ही सिंपल नुस्खा है. सो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं सिंपल तरीका आपको बताऊँगी. तो सबसे पहले, अगर मेरे चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको ऐसे खाली कंटेनर चाहिए, जिसे आपका पुराना वाला मस्करा का कंटेनर ऐसे टाइप में खाली चाहिए. और ये क्लीन भी चाहिए, बहुत मेहनत लगती है क्लीन करने में, बट अगर ये ऐसा हो तो बहुत अच्छा है. या इवन ये ऐसा वाला ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो क्या आपको चाहिए? आपको सबसे पहले कैस्ट्रोल ऑयल चाहिए रहेगा. जो ये मैंने कैस्ट्रोल ऑयल है, ये मैंने गाँव से लाई हूँ, तो ये बहुत ओरिजिनल है. तो मैं थोड़ा सा कैस्ट्रोल ऑयल लूँगी. ओके, देन मैं ऑलिव ऑयल लूँगी थोड़ा सा. ओह माय गॉड, कैस्ट्रोल ऑयल से बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ होता है. ये बालों में भी बहुत लोग लगाते हैं, बहुत अच्छा होता है. ये आँखों को मॉइस्चराइज़ करता है. जो आपके स्किन, आँखों के पास में जो स्किन होता है वो बहुत पतला होता है और उसमें ऑयल ग्लैंड्स भी नहीं होती है, तो वो वहाँ की स्किन ड्राई हो जाती है और हेयर्स को ऑयल मतलब थोड़ा मॉइस्चराइज़ नहीं होते, तो हेयर्स यहाँ से थोड़े कम होने लग जाते हैं, किसी के झड़ने लग जाते हैं. तो यह बहुत अच्छा होता है, इसे आप ट्राई कीजिए. तो सबसे पहले इसे ऐड करने के लिए आपको, इसमें मैंने कैस्ट्रोल ऑयल और ऑलिव ऑयल मिक्स किया है, तो इसे बस ऐड करना है आपको इस तरीके से, बस गिरना नीचे. ओके, ये मैंने पूरा ऐड कर दिया. मेक श्योर कि ये क्लीन रहे, इसे मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है. देन ये होने के बाद इसमें देखिए ऐसे ऐसे करके आपको अपने लगाना है और ऐसे ऐसे करके आपके आईब्रोज में भी. सो देन इसके बाद आपको सो जाना है. कुछ भी नहीं करना है, रोज़ कैस्टर ऑयल ऑलिव ऑयल आपकी यहाँ पे लगाना है और अपने आईब्रोज में भी लगाना है, तो आपके हेयर ग्रोथ अच्छा हो जाएगा और मॉइस्चराइज भी हो जाएगी स्किन आजू बाजू की. मेक श्योर कि वो अच्छे से यहाँ पे लगे, आँख में नहीं जाना चाहिए, अच्छे से वो आपके यहाँ पे फैल जाए. इतना ही था. अगले वीडियो में मिलते हैं. नमस्ते, बाय.